देखो मेरे हाथ में है एक पोटैटो और एक हाथ में है चाकू नाइफ, ठीक है। ये जो मेरे पास चाकू है इसके दो एरिया हैं, एक एरिया ब्लंट है मोटा है और दूसरा एरिया काफी पतला है शार्प है। और अगर मैं मोटे एरिया से आलू के ऊपर दबाव डालता हूं तो ये इधर से नहीं कट रहा या बहुत ज्यादा जोर लगाने के बाद कटेगा, लेकिन अगर चाकू का इस शार्प एंड को मैं आलू के ऊपर रखता हूं तो ये कट जाएगा। ये कटेगा कि नहीं कटेगा इसको हम देखते हैं। अभी मैं इसके ऊपर दबा रहा हूं तो ये कट गया। अब ये क्यों कट गया, इसका रीजन क्या था? देखो ये जो हमारे पास चाकू है इसका जो नीचे वाला हिस्सा पतला हिस्सा है, तो इसका पतला हिस्सा जब आलू के साथ लगता है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इसके साथ कम है। जब चाकू का एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट आलू के साथ कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आलू फौरन क्या होता है, कट जाता है। आ गया समझ में?